सबसे ज्यादा रिसर्च करके म्यूचुअल फंड्स शेयर्स में निवेश करते हैं। ऐसे में अगर खास शेयर्स में म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं तो उन पर ध्यान आप दे सकते हैं। चालू फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में कई शेयर्स में म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में आज ऐसे टॉप 5 कंपनीज के बारे में बताने जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां ऐसे शेयर्स में निवेश करना पसंद करती हैं जो कंपनियां मैनेजमेंट के लिहाज से अच्छी हों और लंबे समय तक अच्छा रिटर्न दे सके। यही कारण है कि जब भी किसी कंपनी में म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेश शुरू करती हैं या अपना निवेश बढ़ाती हैं तो उन पर निवेशक ध्यान देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनमें म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले है SJS एंटरप्राइजेज। आज का शेयर का रेट 684 रुपए है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें बढ़कर 17.53% हो गई है। एक महीने का रिटर्न 0.36% है, तीन महीने का रिटर्न 5.54% है और एक साल का रिटर्न 54.82% है। अगली है TD पावर सिस्टम्स। आज का शेयर का रेट 243 रुपए। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़कर इसमें 15.68% हुई है। एक महीने का रिटर्न 6.20% नेगेटिव, तीन महीने का रिटर्न 6.75% नेगेटिव और एक साल का जो रिटर्न है वो है 97.93%, लेकिन ये पॉजिटिव है। अगला है कोफोर्ज। आज का जो शेयर का रेट है वो है 4983 रुपए। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें बढ़कर 14.56% हो गई है। एक महीने में नेगेटिव रिटर्न दिया 2.38% का, लेकिन तीन महीने में 6.75% का रिटर्न इसने दिया है और एक साल का जो रिटर्न है वो है 33.91%। अगली है NRB बियरिंग्स। आज का रेट 263 रुपए। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें 8.30 हो गई है बढ़कर। एक महीने का रिटर्न 6.07% ऑल दो नेगेटिव रहा है, लेकिन तीन महीने का जो रिटर्न है वो 5.33% है और एक साल का रिटर्न 52.41% है। अगली है सुला वाइनयार्ड्स। आज का शेयर का रेट 470 रुपए। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स इसमें बढ़कर 7.49% हो गई है। एक महीने का रिटर्न 1.18% का है, तीन महीने का रिटर्न 4.42% नेगेटिव रहा है इसका, लेकिन इसमें जो होल्डिंग्स है वो लगातार बढ़ रही है म्यूचुअल फंड्स की। ये सारी कंपनियां हैं जिनमें म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इनके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हम आपको फिर भी यही सलाह देते हैं कि जितनी भी जानकारी दी गई है ये आपको आंकड़ों के आधार पर दी गई है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप एक बार अपने वित्तीय सलाहकार की, फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें और साथ ही अपनी रिसर्च भी आप कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।